नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। मार्च और अप्रैल का राशिफल मैंने बनाया था, जिसको आपने बहुत प्यार दिया और बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया कि 2 महीने के हिसाब से ही राशिफल बनाए तो बेहतर है। तो मई और जून कैसा रहेगा आपका आने वाला 2 महीना, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। खासतौर से बात राशिवाइज होगी, तो मेष से लेकर मीन तक की बात होगी। वीडियो को देखिएगा पूरा, कहीं पर मत छोड़ के जाइएगा, और अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट जरूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसा लगा। बात शुरुआत हम मई से करेंगे कि आपका जो डेली रूटीन रहेगा वो कैसा रहेगा। साथ साथ दोस्तों, ये राशिफल जो आप लोग देखते हैं ये बहुत सामान्य आधार पर देखते हैं। अगर आपको विशेष अपना एनालिसिस कराना है और ये जानना है कि कौन सी दशा और दिशा आपके जीवन पर चल रही है, क्या स्थिति चल रही है, क्या रहने वाला है वर्ष, तो आप जो दिया हुआ नंबर है व्हाट्सएप का, उस पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मुझसे बात कर सकते हैं। मैं अपने एनालिसिस व्हाट्सएप ऑडियो के थ्रू देता हूं, मैं व्यक्तिगत कॉलिंग यानी कि पर्सनल कंसल्टेशंस में नहीं देता हूं, ये बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि वालों, जीवन में जो शुरुआती दौर रहेगा आपका मई में, उसमें थोड़े बहुत संघर्ष आपको देखने को जरूर मिलेंगे, लेकिन अच्छी बात यह रहेगी कि आपको कोई नुकसान इससे ज्यादा होगा नहीं। लेकिन हाँ, एक मेंटल स्ट्रेस आपका शुरुआती दौर में बढ़ सकता है, इसमें कहीं शक और शुबे की बात नहीं है। लेकिन मैं ही कहूँगा कि आपको आशावादी होने की जरूरत ज्यादा रहेगी और समय के अनुसार काम करें तो बेहतर रहेगा, एनवायरमेंट के अनुसार काम करें तो बेहतर रहेगा। कुछ नए लोग जुड़ेंगे इस महीने, मई के महीने में, और कहीं ना कहीं जिससे कुछ हद तक आपकी चीज़ें आपके पक्ष में ज़रूर आएंगी। कुछ बड़े लोगों से मुलाकात हो सकती है, कुछ बुजुर्गों का साथ यहाँ पर मिल सकता है, और जिससे जो उलझने हैं जीवन की वो आपकी कम होती हुई दिखाई देंगी। महीने का पूर्वार्ध में कहीं ना कहीं कुछ सोशल एक्टिविटीज़ के कारण आप बिजी रहेंगे, और कहीं ना कहीं जिससे आपकी जो स्ट्रेस है वो आपकी कम होती हुई मुझे दिखाई देती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आध्यात्मिक चिंतन यानी कि भगवान की तरफ आपका ध्यान मई के महीने में जाता हुआ जरूर दिखाई देगा, और कहीं ना कहीं मन थोड़ा सा उचाट भी होगा। आपको लगेगा इसी हाल में कि यार मैं ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि पिता जो पक्ष है आपका वो आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा, और जन्मभूमि से निकट जो परिस्थितियाँ बन रही थी वो थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती हैं, तो थोड़ा सा समय जो है वो थोड़ा सा नरम रहने वाला है मई के दिनों में, तो विशेष आपको विशेष ध्यान रखना है, और कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा वेट आपको कर लेना है। हालांकि जून में जो डेली रूटीन आपका रहेगा उसमें आध्यात्मिक और परिवर्तन थोड़े बहुत आपको देखने को मिलेंगे, और कुछ बोलने से पहले आपको अपनी फैक्ट को निकाल कर लेकर आना पड़ेगा, नहीं तो नुकसान आपका हो सकता है। सलाहकार जो हैं आपके, उनको थोड़ा सा आप चेक करते हुए दिखाई देंगे, और निजी जीवन में चल रहा एक, मैं कहूँगा कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग या एक दिशाहीन जो आपका समय चल रहा था मई में, वो आपका ख़त्म होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अभी समय इसमें लगेगा पूरा तरह से विश्वास आने में। घर कुटुंब में किसी मामले को लेकर आपकी चिंता बढ़ी रह सकती है, महत्वपूर्ण कार्यों में थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक नए तरीके से सोच को लेकर आने की जरूरत रहेगी इन दोनों महीनों में, मई और जून में। और कहीं ना कहीं जो गलतियां आपसे अगर हुई हैं कोई गलतियां, तो उनको थोड़ा सा आपको पश्चाताप करने का समय भी इस समय मिलेगा। वाणी पर संयम बरतें इन दोनों महीनों में तो बेहतर आपके लिए रिजल्ट रहेंगे, क्योंकि ये व्यक्तिगत जीवन के लिए और डेली रूटीन के लिए ये समय कुछ खास होता हुआ दिखाई यहां पर नहीं देता। अब मैं आपके रिश्ते नातों की यहां बात करूंगा, उसके बाद कैरियर के और स्वास्थ्य के बारे में बताऊंगा आपको। देखिए, अगर मई की अगर आपकी बात को देखूं, तो अगर आप अनमैरिड हैं तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छे रिश्ते आपको मिल सकते हैं, और अगर विवाहित हैं तो आपके जीवन साथी के साथ रिश्ते अच्छे रहेंगे, और अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो स्थितियाँ बेहतर रहेंगी, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो मेंटल स्ट्रेस मैंने आपको बताया है, वो ये जो संबंध होंगे आपके, लव रिलेशनशिप हो गई, आपकी वैवाहिक जीवन हो गई, ये उससे
निकलने में आपको फायदा करेंगे। लेकिन मित्र, सेम सेक्स में अगर बात करूं अगर, तो मित्र जो हैं वो उतने ज्यादा हेल्पफुल नहीं होंगे और कहीं ना कहीं आपसे संबंध खराब होने की स्थिति वहां पर आ सकती है और आपको ज्यादा आंख मूंद कर विश्वास भी उनका नहीं करना है, इस बात की भी मैं आपको हिदायत दूंगा। वहीं जून में यहां पर रिश्तों में सुधार जरूर होगा और कहीं ना कहीं घर परिवार में स्थिति बेहतर होगी। मई के अंदर पिता पक्ष से संबंध कुछ खास अच्छे नहीं होते हुए दिखाई दे रहे, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो वाणी पर संयम रखिएगा, कुछ ज्यादा उनसे उलझिए ना तो बेहतर रहेगा। जून में स्थितियां बेहतर जरूर होंगी लेकिन समय लग सकता है। जुलाई से स्थितियां बेहतर हो जाएंगी, हालांकि मैं आपको बताऊंगा जब जुलाई के बारे में हम चिंतन करेंगे अगली वीडियो में। छोटी मोटी यात्राएं यहाँ पर हो सकती हैं जून में, जो कि आपको थकान देंगी और कहीं ना कहीं लव रिलेशनशिप में थोड़ी सी चिंताएं जरूर बढ़ेंगी आपकी, इस बारे में मैं कह सकता हूँ, क्योंकि बिजी रहेंगे आप और बिजी रहने की वजह से आप अपना जो समय है उसका सदुपयोग अपने रिलेशनशिप पर आप नहीं कर पाएंगे। तो रिश्ते नातों के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए कोई बुरी बात नहीं कही जा सकती, ठीक रहेगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हर जगह चलता है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको वक्त रहते मिल जाए और आप आगे की प्लानिंग कर पाए। व्यवसायिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो थोड़ा बहुत उथल पुथल रहेगा, जबकि मैंने आपको शुरुआत में कहा था, और कहीं ना कहीं शासन से बिगड़ने से जो अधिकारी लोग हैं उनसे अगर आप बिगाड़ के चलेंगे तो कुछ खास आपको फायदा होगा नहीं। दूसरा सप्ताह आर्थिक दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण रहेगा, घटनाक्रम में परिवर्तन आएंगे जब शनिदेव 11 मई को बकरी होकर जाएंगे और आजीविका के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन आपके लिए लेकर आएंगे। इस समय आपको बड़ी योजनाओं पर काम करना होगा, ये मई की बता रहा हूं आपको। स्थान परिवर्तन चाहते हैं तो हो सकता है, वैवाहिक जगह में संभावनाएं बढ़ती हैं, कर्मचारियों के साथ संबंध अच्छे होते हैं और कहीं ना कहीं कुछ बाहर स्थितियां बनेंगी। तो पहला सप्ताह जो है वो व्यवसायिक दृष्टिकोण से कुछ खास नहीं है, लेकिन जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा वैसे वैसे स्थितियां बेहतर होंगी। 14 को आपके बृहस्पति बकरी होंगे, इसके साथ समय की मांग है कि आप अपने जीवन में कुछ नए अपग्रेडेशन लेकर आए। बृहस्पति देव चाहते हैं कि आप अपनी चीजों पर निर्णय तेजी से लें, नए लोगों के साथ जुड़ेंगे और अपनी कमियों से बाहर निकलकर कुछ आर्थिक संबंधों की तरफ आप जाएंगे। नवग्रह मंडल के 9 ग्रहों में से राहु केतु सहित 5 ग्रहों का बकरी होना साधारण बात नहीं है, ये ग्रह स्थिति आपके लिए निर्णायक मोड़ लेकर आ सकती है। 14 सप्ताह असाधारण रूप से हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आर्थिक स्थितियां आपकी सुदृढ़ होती हुई दिखाई दे रही हैं, अचानक भुगतान की परिस्थितियां बन सकती हैं, यात्रा पर अधिक खर्चा हो सकता है। यदि कोई विदेश व्यापार या गति आप चाहते हैं तो यहाँ पर आपकी स्थिति बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। अंतिम सप्ताह में तेजी से कठोर निर्णय लेने होंगे और कहीं ना कहीं आप सफल होते हुए भी उसमें मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो बुरा नहीं कहा जा सकता, ठीक है। शुरुआती दौर थोड़ा सा खराब है लेकिन वैसे ठीक है। जून की बात कर लें तो यहाँ पर केतु अपने ही नक्षत्र में रहेंगे, केतु अपने नक्षत्र में श्रेष्ठ फल देना चाहेंगे और शुभ काम आपसे करवा देंगे। 1 जुलाई को ये अवसर आपको मिलेगा, आने वाला जो महीना होगा उसमें आपको मिलेगा और कहीं ना कहीं वर्ष के अंत तक ये आपके स्थित रहेंगे। तो जुलाई से स्थितियाँ बेहतर हो रही हैं, इसमें कहीं कोई शक और शुभ की बात नहीं है, लेकिन ये 2 महीने आपको थोड़ा सा सचेत रहने की जरूरत है। शासकीय सहयोग यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा, नए लोग जुड़ेंगे, धन संपदा आदान प्रदान होगा जो बहुत बेहतर है, नए लोगों के साथ जो बातें होंगी वो बढ़िया होंगी। और तीसरा सप्ताह बहुत अच्छा जाएगा आपका, यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति बढ़ेगी आपकी कैरियर, जॉब में बहुत अच्छी स्थिति बनेगी, जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए यात्राओं के योग बनेंगे। उधार लेन देन से थोड़ा सा बचे तो बेहतर आपके लिए रहेगा, क्योंकि दिक्कत हो सकती है। धीरे धीरे राहु का प्रभाव से आप मुक्त होंगे और कहीं ना कहीं विदेशों से और दूसरे शहरों में आप, जिसमें आपसे कहा था कि यात्राओं के योग बनते हुए यहाँ पर जून में दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर कामकाजी लोगों के लिए थोड़े से यात्राओं के योग यहाँ पर बनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर तो मैं कहूँगा स्थिति बेहतर है। स्ट्रेस रहेगा चीज़ों को अपनी तरह से चलाने के लिए, वो ज़रूर रहेगा, लेकिन कोई बुरी चीज़ नहीं है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा? स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से महीना अच्छा रहेगा। राशि से एकादश भाव में 4 का गोचर छोटी मोटी समस्याएं आपको देगा, मंगल का जो गोचर होगा वो छोटी मोटी समस्याएं आपको देगा। खासतौर से जीवन संगति की स्वास्थ्य संबंधित चिंताएं आपको रह सकती हैं, आपके मन में कुछ मानसिक तनाव हो सकते हैं, माता पिता का स्वास्थ्य चिंता का यहाँ पर विशेष ध्यान आपको रखना पड़ेगा और कहीं ना कहीं खान पान में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि
गरिष्ठ भोजन आप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। महीने के पूर्वाध में राशि से भ्रमण कर रहे सूर्य के कारण स्वास्थ्य में थोड़ी सी तेजी आ सकती है। एक दो संबंध आपके खराब हो सकते हैं, इसमें कहीं कोई शुभ की स्थिति नहीं है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मई का महीना थोड़ा सा ऊपर नीचे आपको देखने को मिलेगा। जून, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से महीना अच्छा रहेगा, थोड़ा सा वजन घटाने की तरफ आपका ध्यान रहेगा और गरिष्ठ भोजन से बचें तो बेहतर रहेगा। और कहीं ना कहीं माता पिता का अगर स्वास्थ्य पहले से खराब चल रहा है तो सुधार तो आएगा, लेकिन अभी समय लग सकता है। मुझे लगता है कि गाड़ी चलाते समय आपको विशेष ध्यान रखना है जून में। और राशि स्वामी मंगल पर शनि की कठिनाई जो दृष्टि है वो कठिनाई आपके लिए उत्पन्न कर सकती है। तो अगर मैं आपके इन दोनों महीनों को देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मिक्स बैग का ये समय रहेगा, मिला जुला आपके लिए समय रहेगा। आपको संभल कर देख कर और बहुत ही एहतियात से आपको चलना होगा। डरने की कोई बात नहीं है, अगर आपका अंदर विश्वास है आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। अपने कर्मों पर आप अगर अडिग रहेंगे तो आप बहुत कुछ कर पाएंगे। तो ये थे दो महीनों का एक छोटा सा विवेचन। कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट करके। मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको जैसे ही आए आपको मिल जाए। देखने के लिए धन्यवाद।